कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस की पहली प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। बता दिया इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स नहीं लिखोगे चलेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स पहली प्रॉपर्टी है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है ये फॉर्मूला वैलिड है। सेकेंड प्रॉपर्टी है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, दैट्स इट। ये देखने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, जरूरत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्लोज्ड पाथ में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क, देखो एफ डी एक्स का होता है वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है ये सर्कल लगा देना, इंटीग्रेशन में सर्कल लगाने का मतलब गए थे और वापस आ गए, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ की इंटीग्रेशन सिंबल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो किया हुआ है हमने। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि इफ आएगा यहां पे, इफ इन नहीं है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी तो मैकेनिकल एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। और मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ वॉट, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, वो पता ही है कंजर्वेटिव फोर्स है तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। तभी तो पिछले लेक्चर से लेके सर्कुलर से लेके अगर आपने नोट किया हो, जब भी वर्टिकल सर्कल आते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, वन और टू पे एनर्जी कॉन्स्टेंट कर दो, क्योंकि हम काम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है। क्लियर है यहाँ तक?